देवरानी की साजिश। श्रद्धा, तू अपने दिल की बात सुमित को क्यों नहीं बता देती? अरे मैं उससे कैसे कहूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ? वो खुद नहीं समझ सकता क्या मेरे दिल की बात? देख, तू मेरी सहेली है इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसका इंतजार करती रहे और वो किसी और से शादी कर ले। ये है श्रद्धा, जो कि सुमित से बहुत प्यार करती है, लेकिन सुमित इस बात से अनजान है और वो श्रद्धा को सिर्फ एक दोस्त ही समझता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच सुमित की माँ आशा उसकी शादी आराध्या नाम की एक लड़की से करवा देती है और ये बात श्रद्धा की सहेली मंजू उसे बताती है। श्रद्धा, मैंने कहा था ना, अपने दिल की बात बता दे सुमित को, करवा दी उसकी माँ ने उसकी शादी। क्या? सुमित ने शादी कर ली? उसने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्या सोचता वो तुम्हारे बारे में? कितना बोला था मैंने तुझसे कि तू उसको सब कुछ बता दे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब मेरी बात मान, भूल जा उसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं उसे पाकर रहूंगी। इस तरह श्रद्धा ने ठान लिया कि वो किसी ना किसी तरह से सुमित को पाकर रहेगी। इसके लिए अब वो आगे कदम बढ़ा चुकी थी। उसने सुमित के छोटे भाई अमित से शादी कर ली। उसकी सहेली मंजू ने उसे बहुत समझाया, लेकिन श्रद्धा ने उसकी एक नहीं सुनी। अब श्रद्धा साम दाम दंड भेद से आराध्या को उनके घर से निकालना चाहती थी। एक दिन आराध्या ने खाना बनाया तो श्रद्धा ने उसके अंदर बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी। बहू, क्या हुआ तुम्हें? खाने में कौन इतनी ज्यादा मिर्च डालता है? माँ जी, मैंने तो हिसाब से मिर्च डाली थी, पता नहीं मिर्च इतनी ज्यादा क्यों हो गई। भाभी, जब आपको अंदाजा नहीं है नमक मिर्च का, तो माँ से पूछ कर डाल दिया करो ना। देखिए, अब इस खाने को तो कोई नहीं खाएगा, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। श्रद्धा ने दोबारा खाना बना दिया और सभी को खाना बहुत पसंद आया। एक दिन सुमित ने अपनी पत्नी को 50,000 रुपए देते हुए कहा, आराध्या ये लो पैसे, संभाल कर अलमारी में रख दो, मुझे कल सुबह चाहिए। श्रद्धा सुमित की बात सुन लेती है और आराध्या को अलमारी में रुपए रखते हुए देख लेती है। रात में श्रद्धा चुपके से वो रुपए निकाल लेती है। जब सुबह होती है तो सुमित आराध्या से रुपए मांगता है। आराध्या, रात को जो मैंने 50,000 दिए थे ना, वो देना जरा। आराध्या अलमारी से रुपए निकालने जाती है तो उसे रुपए नहीं मिलते। बहुत ढूंढती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब उसे ढूंढते हुए बहुत देर हो जाती है तो सुमित उससे कहता है, क्या हुआ आराध्या, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से रुपए लाकर दो ना। मैंने यहीं रखे थे रुपए, अब मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पैर लग गए थे क्या, जो अपने आप कहीं चले गए? सच बताओ आराध्या, कहाँ है रुपए? मुझे सच में नहीं पता, मैंने रात को तो यहीं रखे थे। दोनों की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी उनके कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ भैया, सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और भाभी रो क्यों रही है? हाँ बेटा, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सुमित सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनने के बाद सब आराध्या को ही गलत समझते हैं और उसकी सास तो उसे खूब सुनाती है। आराध्या, तुम इतनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो घर क्या संभालोगी? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हमसे बोल दो, अपने ही घर में चोरी करना अच्छी बात नहीं है। पर मम्मी जी, मैंने कुछ। चुप रहो आराध्या, माँ मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है, अब क्या करूं? ये सुनते ही श्रद्धा बोलती है, जेठ जी मेरे पास है 50,000 रुपए, मैं अभी आपको एटीएम में से निकाल कर दे देती हूँ। श्रद्धा सुमित को रुपए दे देती है और सभी घर वाले श्रद्धा को प्यार करते हैं। श्रद्धा और आराध्या किचन में खाना बना रही होती है, तभी आराध्या कहती है, श्रद्धा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए भाभी? तुमने समय पर 50,000 का इंतजाम कर दिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। श्रद्धा एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ मन में कहती है, भाभी अभी तो मैं आपके ऊपर क्या क्या एहसान करूंगी, आप भी याद रखोगी। पहले आपसे ये घर छीनूंगी और उसके बाद आपका पति।
आराध्या रोटी बनाकर किचन से चली जाती है, तभी श्रद्धा उन रोटियों को दोबारा सेकती है और हर रोटी को जला देती है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो आशा रोटियों को देखकर कहती है, ये आज रोटियां किसने बनाई हैं? सारी रोटियां जला दी हैं। रोटियां तो भाभी ने बनाई हैं, मैंने तो सब्जी बनाई है। आराध्या, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अब हम सब ये क्या जली हुई रोटियां खाएंगे? माँ जी, मैंने तो ठीक ही बनाई थी, पता नहीं कैसे जल गई। जैसे अलमारी से रुपए गायब हुए थे वैसे ही रोटियां भी जल गई है ना। आराध्या, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके हो और प्लीज जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम यहाँ वापस मत आना। जहाँ एक तरफ आराध्या को सुमित की बात सुनकर दुख होता है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा अपने मकसद में कामयाब होती जा रही थी। तभी श्रद्धा कहती है, मैं आप सबके लिए दोबारा रोटियां बना देती हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ बहू, बना ला और जरा जल्दी करना। श्रद्धा सबके लिए रोटियां दोबारा बना देती है। अब श्रद्धा इसी तरह से घर वालों और सुमित के दिल में आराध्या के लिए नफरत पैदा कर देती है और कुछ ही दिनों में बात तलाक तक पहुंच जाती है। श्रद्धा इस बात से बहुत खुश होती है और वो अपनी सहेली मंजू को फोन करके कहती है, मंजू मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी सहेली श्रद्धा, कैसी हो? श्रद्धा, इतने दिनों बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुम्हारा पति अमित कैसा है? ठीक है सर, मैंने ना तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। अरे बताना जल्दी से, क्या खुशखबरी है? मेरी प्यारी जेठ जी मेरी प्यारी जिठानी को तलाक दे रहे हैं। और बहुत जल्द सुमित मेरा होगा, सिर्फ मेरा। श्रद्धा, तुझे समझाया था ना मैंने, ऐसे खेल मत खेल। तू अपने साथ साथ अपने पति और अपने जेठ जिठानी की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। देख संभल जा, अभी भी समय है, रोक दे ये सब और अपने ससुराल वालों को सब कुछ सच बता दे। अच्छा, अपनी मंजिल पर आकर पीछे लौट जाऊं? कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जल्द ही मैं भी अमित से तलाक लेकर सुमित से शादी कर लूंगी। श्रद्धा अपनी सहेली से बात कर रही होती है कि अचानक उसकी सास उसके कमरे में आ जाती है। उसे देखकर श्रद्धा घबरा जाती है। उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर उसकी सास उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, इतने घबरा क्यों गई? किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं बाजी, वो मेरी फ्रेंड है। आशा वहां से चली जाती है और अगले दिन वकील तलाक के पेपर पर साइन करवाने आता है। सुमित जी, आराध्या जी, आप दोनों इन पेपर पर साइन कर दो। दोनों पेपर पर साइन करने ही वाले होते हैं कि तभी आशा उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको तुम दोनों, इन पेपर पर साइन मत करो। इस घर में तलाक तो होगा लेकिन वो तुम दोनों का नहीं बल्कि अमित और श्रद्धा का। माँ, लेकिन हम दोनों ने क्या किया है? आप हमारा तलाक क्यों करवाना चाहती हो? आशा श्रद्धा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, कल मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, अब तुम सबको सच बताओगी या मैं बताऊं? श्रद्धा सभी को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर सुमित कहता है, ये सच है श्रद्धा कि मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, लेकिन कभी तुमसे नफरत भी नहीं की, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करता हूं। श्रद्धा, तुम इतना भी गिर सकती हो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने मुझसे शादी इसलिए की ताकि तुम मेरे भाई को पा सको। मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बेटे को तलाक दो और अभी निकलो इस घर से। सभी श्रद्धा को उल्टा सीधा बोलते हैं। वो रो रही होती है लेकिन आराध्या सबसे कहती है, आप सब श्रद्धा को माफ कर दो, आखिर ये जो है जैसी है अब हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें इसे एक और मौका देना चाहिए। सभी घर वाले आराध्या की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। आराध्या से सभी माफी मांगते हैं और श्रद्धा को एक और मौका देते हैं।